हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। रोज़ की तरह आज भी लेकर रहे हैं करंट अफेयर जो आज की डेट की हैं, यानी कि 27 अक्टूबर 2018, और चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से जो रीड कीजिएगा, डेली अपडेट की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत स्टेज 4 BAS 4 वाहनों को भारत में किस तिथि से बेचने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? ये किया जाएगा 1 अप्रैल 2020 तक। आप न्यूज़पेपर में भी रीड कर सकते हो, ये लाइन्स आई हुई है एक दो दिन पहले के न्यूज़पेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स लॉन्च किया है, जिसे SEE बॉक्स कहा जाता है, यानी कि इसी मंथ में है, जो 2018 के अक्टूबर में मंत्रालय का नाम था ना, किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स यानी कि ऑनलाइन शिकायत हम कर सकते हैं, उस बॉक्स को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जी इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स लॉन्च किया है, इसे ESEE बॉक्स कहा जाता है। ये लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न पर GOM गठित किया, कौन सा मंत्री GOM यानी कि मंत्रियों का समूह का नेतृत्व कर रहा है? वो मंत्री है गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो है मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहा है। कार्यस्थल महिलाओं के लिए इन्होंने जो उत्पीड़न GOM गठित किया है। पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के 1.5 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर वो पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक पंचायती चुनाव लड़ता है तो उसे उसके जो बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किन से ज़्यादा, वो है 2 से ज़्यादा बच्चे। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो पंचायत का चुनाव वो नहीं लड़ सकता। ये पंचायत राज अधिनियम का रूल है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत 2024 तक डैश सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा, होगा तीसरा, यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा 2024 तक। ये खुलासा किया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित की जाने की घोषणा की? सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित करना है, उसका नाम ताना है, यानी कि किसे है जो सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन सा राज्य भारत के वेस्टर्न घाट के तहत नहीं आता? वो है मध्य प्रदेश राज्य। भारत और किस देश ने हाल ही में 77.7 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं? एक तो भारत है, दूसरा देश बताना है किसके साथ, वो है इजराइल। भारत और इजराइल ने 77.7 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं, इन दो देशों ने। ऑलराउंडर ड्रेविन बारबो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं ऑलराउंडर ड्रेविन बारबो, वे किस देश के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, यानी कि किस देश के प्लेयर हैं वो? वो हैं वेस्ट इंडीज के। कौन सी स्पेस एजेंसियों ने एक साथ मिलकर बुध ग्रह के लिए बेपी कोलंबो अंतरिक्ष जान मिशन शुरू किया है? कंपनियों का नाम बताना है, कौन सी कंपनी है, वो है जापान और यूरोपीय संघ, इन्होंने मिलकर है जो बुध ग्रह के लिए बेपी कोलंबो अंतरिक्ष जान मिशन शुरू किया है। कोरल रीफ्स कहाँ नहीं पाई जाती है? कोरल रीफ्स जय सुंदरवन में, सुंदरवन में है जो कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? स्टेपकोर 2018 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये किया गया था लक्षद्वीप में। कौन सी इकाई संवैधानिक निकाय नहीं है? वह है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सा चुनाव नहीं आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सा चुनाव है जो नहीं आयोजित किया जाता? वो है पंचायत का। जो क्वेश्चन टेट में भी आया हुआ है, जो फरवरी 2018 का हुआ था, 17 का हुआ था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख है? यानी कि कौन से अनुच्छेद में है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख है, जो पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, वो है आर्टिकल 324। 370 में है जो जम्मू कश्मीर आता है, 324 में है जो मुख्य निर्वाचन की जो नियुक्ति के रिलेटेड उल्लेख आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में स्थित है? वो है दी हेग में। दी हेग नाम के शहर में है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वो है पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोसोवो। सो फ्रेंड, जी आज की करंट अफेयर थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इवनिंग टाइम है जो जीके की वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।